अब हम ही ना जानती है कड़वा में हो लिखल। अच्छा 70 साल से ऊपर के सब लोगों को अब कार्ड मिल जाएगा फ्री में, और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। आज हमार तो कैसे दवाइया है बाबा? आते दवा तो आपका होगा ही होगा। तो 5 लाख रुपया हर साल मिलेगा फ्री में उपचार के लिए, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। चलिए बधाई आपको। हाँ। मुख्यमंत्री राहत कोष के अगले लाभार्थी श्री सुधीर कुमार सिंह जी चकसा हुसैन शिवनगर कॉलोनी से। सर्वप्रथम महाराज जी के चरणों में मेरा चरण स्पर्श स्वीकार किया जाए। सुधीर जी बताइए आप क्या समस्या थी आपकी? जी सर, ओरल माउथ कैंसर था मुझे। हाँ। और हनुमान प्रसाद कैंसर हॉस्पिटल से मेरी इलाज हो रही है। 3 लाख सीएम फंड मुझे मिला है सर। उपचार हो गया? अभी चल रही है। चल रहा है ना? जी सर। कहाँ से उपचार करा रहे हैं? ये हनुमान प्रसाद कैंसर यहाँ पे। जी क्या चल रहा है? रेडियोथेरेपी है? जी रेडियोथेरेपी और कीमो है साथ। ठीक है ठीक है, उपचार कराइए आप आराम से। आपके पास आयुष्मान का कार्ड तो नहीं है अभी? नहीं सर। ठीक है, आप लोग बनाइए, आराम से उपचार कराइए, सहयोग आपको मिलेगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। चले बधाई आप सभी को। सादर धन्यवाद। और इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आयुष्मान भारत की योजनाओं पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति। नीति नियत और स्वभाव से विकास के लिए प्रतिबद्ध कर्मयोगी सरकार की विजनरी लीडरशिप में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है आत्मनिर्भर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है हाईटेक चिकित्सा सुविधाओं का हब। एम्स और ICMR जैसे विश्व स्तरीय संस्थान नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर में हुए हैं संचालित, जहां आम नागरिकों को मिल रही हैं आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में सुनिश्चित हुई है हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संचालित आयुष्मान भारत योजना ने गरीब और कमजोर वर्ग के करोड़ों नागरिकों को दी है बेहतर इलाज की गारंटी। पूर्ण समर्पण भाव में से।